प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है आप घर पे ठीक होंगे। और पढ़ाई के साथ साथ एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर, आप गणित के खेल भी करवाते हैं, तो एक खेल हमें दीजिए। तो उसी खेल से संबंधित आज आपको कुछ बातें बताएंगे और आपको ये घर पे खेलना भी है। सबसे पहले मैं इसको बनाने की विधि आपको बता देता हूँ। आपको एक कार्डबोर्ड के ऊपर या फिर एक अपने ड्राइंग शीट के ऊपर इस तरह से आंक लेने हैं। देखो, मैंने खाने बनाए हैं, बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे मैं घूमता हुआ जा रहा हूँ जैसे हमारी संख्या रेखा जाती है। और फिर नेगेटिव की तरफ भी है, 0, -1, -2, -3, -4, उसी प्रकार से। ये तुमने अंक रखने हैं जहां तक भी खाने तुमसे बन पाए और जहां तक भी पहुंच पाए, क्योंकि हमारी गणित की यदि पुस्तक में देखे 7वीं कक्षा की में, तो ये यहाँ -104 और +104 तक बने हैं। तो जहां तक भी आपसे बने वो आप बना लें, क्योंकि ये बिल्कुल सांप सीढ़ी के जैसा है। और इसको खेलने के लिए आपको डाइस की भी जरूरत है। आपके पास डाइस घर होती हैं और उनके ऊपर कईयों पे अंक लिखे होते हैं, कईयों पे पॉइंट बने हुए होते हैं, तो उनको हम देख सकते हैं। अब जैसे मेरे पास रेड और ग्रीन दो प्रकार की ये डाइस हैं, पासे हैं, तो एक को मैं घटा वाले, एक के मैं जोड़ वाले यूज कर सकता हूँ। यदि किसी के पास ये भी नहीं है तो हम इस प्रकार से पासे भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये पासे मैंने कागज से बनाए हुए हैं, गत्ते से। और इसको आप किस प्रकार बना सकते हैं मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि एक कागज की सीट के ऊपर आप ये इस प्रकार से 5 वर्ग ये हैं, 5 ही वर्ग ये हैं, ये इनमें मतलब दोनों में आता है, तो ये पूरे 9 वर्ग हो गए। यहां से 5 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। आप 9 वर्ग काट के इसी प्रकार काटने हैं, अलग अलग नहीं काटने हैं, जुड़ में, और उनको मोड़ दें आपस में। और जब मोड़ के आप उनको अच्छे से फोल्ड करेंगे तो ये आपके पास एक घन बन जाएगा। ये 9 मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि बीच में एक दूसरे की सतह पर लगेंगे, तो वहां से इसको चिपका देना है फेविकोल के साथ। और चिपकाने के बाद ऐसे नंबर उसके ऊपर हम लिख सकते हैं, जोड़ और घटाई संबंधित कोई भी। ये घन हम 6 से भी बना सकते हैं, 6 वर्गों से ही घन बनता है, 6 फलक होते हैं घन के। लेकिन उसमें दिक्कत क्या रहेगी कि हमारे पास फलक चिपकाने के लिए कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए मैंने 9 का इस्तेमाल किया है। आप 6 का भी कर सकते थे। 6 का करने के बाद फिर ये टेप से आपको चिपकाना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये नंबर लगाने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है आप इनको गत्ते से बनाएं, आप इनको मिट्टी से ही बना सकते हैं। आप मिट्टी की गारा बनाएं और उससे घन के आकार की आकृति लेकर उसको सुखा लें। सुखाने के बाद फिर कागज के ऊपर आप लिख के उसके ऊपर चिपका दे। बड़ी आसानी से हम ये दोनों चीजें बना सकते हैं। और सांप सीढ़ी आपने खेला है, लूडो आपने खेला है, तो क्यों ना एक गणित का ये खेल भी इसी प्रकार से हम खेल लें। आइए अब इसकी विधि बताता हूं कि ये पूर्णांकों का खेल हम किस प्रकार से खेल सकते हैं। देखिए, मैं और ऋषभ इस गेम को खेल रहे हैं। ऋषभ कैसे हैं? ठीक है, तो चलो अब पहले आप ये देखें कि आपकी गोटी हमने 0 पे लगा के रखी है। आपकी गोटी कौन सी है इनमें से? ग्रीन है। ग्रीन वाली है। तो पहले दोनों डाइस आप चलें, आप चलें। देखिए, जैसा कि रिशु ने दोनों डाइस चले हैं और हमारे पास +5 और -5 आया है। एक +5 और -5 आया, तो रिशु इसका आंसर कितना हो गया? 0। 0 हो गया, तो कोई भी पॉइंट ये नहीं चलेगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव यदि आते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो रिशु नहीं चलेगा। मैं चल रहा हूं, क्या आया रिशु? 5 और 3। 5 पॉजिटिव है, -3 तो कौन से ज्यादा है? फाइव फाइव। फाइव पॉजिटिव है, कितने ज्यादा हैं? दो 2 ज्यादा हैं, तो मेरे वाली गिट्टी 2 कदम पॉजिटिव की तरफ चलेगी। अब आप चलें, 0 और 6। 0 और 6, तो 6 पॉइंट आपके पॉजिटिव के हो गए। 0 में 6 यदि जोड़ेंगे तो 6 पॉइंट आप पॉजिटिव की तरफ चलें, 6 पॉइंट। 3 के बाद यहां है 4, 5, 6। हाँ, अब मैं चलूंगा, 5 और 2, 7। दोनों पॉजिटिव है मेरे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप चलें, -2 और +6, तो +4 और चलो आप आगे। आपका पॉजिटिव 4 बना है ना, 4 और चलो आगे, 4 चलो बेटा, 4 उधर, 6 के बाद कहाँ आएगा? हाँ, ये आ गया। अब जैसे अब ये देखो, 0 और -1 आ गया मेरे पास, तो नेगेटिव वाले ज्यादा हैं, नेगेटिव ज्यादा हैं, तो मैं 1 कदम नेगेटिव की तरफ चलूंगा, उल्टा चलूंगा। नेगेटिव आएगा तो
तो उल्टा जाना है, पॉजिटिव आएगा तो आगे जाना है। चल विशु, चार और तीन, सात कदम और चलो आगे। यस, अब फिर मेरे देखो नेगेटिव वन और नेगेटिव टू आए हैं। नेगेटिव वन और नेगेटिव टू का जोड़ यदि हम करें कितना आएगा, नेगेटिव थ्री। तो नेगेटिव थ्री, थ्री और बैक आना है मुझे, एक दो तीन, ठीक है। अब आप चले, अरे आपके तो पॉजिटिव आते जा रहे हैं रिशु, कितना हो गया, नाइन। चलो नाइन मेरे से जीतेगा अभी रिशु। अब देखो मेरा माइनस वन, नेगेटिव वन और थ्री आया है, इन दोनों का जोड़ क्या बन गया रिशु, टू, पॉजिटिव टू, वन टू। चलो सिक्स और जीरो, सिक्स आ गया, देखो सिक्स पे आ रहा है क्या आपका पूरा, पांच पे आ रहा है तो आप नहीं चल पाएंगे। नेगेटिव थ्री और जीरो, नेगेटिव थ्री आ गया मेरा, फिर मुझे बैक जाना है, एक दो तीन। चलो नेगेटिव फाइव और नेगेटिव फोर, कितना हो गया, नाइन। नेगेटिव नेगेटिव, चलो नाइन उल्टे, शाबाश। अब फिर वापिस आ गया ये, अरे मेरा भी नेगेटिव नाइन आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव थ्री। अब देखो सिक्स और नेगेटिव फोर, फिर पॉजिटिव टू हो गया मेरा, तो फिर मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा, वन टू। नेगेटिव फाइव, तो देखिए प्यारे बच्चों ये गेम है बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर जो पूर्णांकों की जोड़ और घटा दोनों चीज आपको दिखाई दे रही है, जब आप इसको खेलेंगे बड़े मजे मजे से आपको पूर्णांकों की जोड़ और घटा आसानी से आ जाएगी, पता भी लग जाएगा। यदि दो जोड़ वाले हैं तो वो जुड़ेंगे, निशान जोड़ का रहेगा, दो घटा वाले हैं नेगेटिव हैं तो वो जुड़ेंगे, निशान घटा का रहेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हमेशा दोनों के बीच में घटा होगी और निशान वो आएगा जो बड़े का है। तो इसके अनुसार जो भी सबसे पहले सबसे छोटे अंक जो इसमें हमारा नेगेटिव 31 है या सबसे बड़े अंक 31 पे पहुंचेगा वो विनर होगा। तो बनाइए अपना खुद का ये गेम और खेलिए अपने घर में, और कल मुझे इस गेम की एक एक फोटो उतार के आपको देनी है, और अपने भाई बहन या बड़े माँ बाप के साथ खेलते हुए एक एक फोटो भी उतार के देनी है, तो देखूंगा कितने बच्चे इसको अच्छे से खेल पाते हैं और पूर्णांकों को जान पाते हैं।